नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द नॉलेज डेट आप लोग के लिए फिर से एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। पॉलीटेक्निक क्या है? जी हाँ, आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी और ये नहीं पता होगा कि पॉलीटेक्निक क्या है, ये क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है और लोग पॉलीटेक्निक क्यों करते हैं, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि पॉलीटेक्निक क्या है। मैं शर्तियाँ बता रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप A to Z चीज़ें जान जाएंगे पॉलीटेक्निक के बारे में। तो मेरी वीडियो को अभी तुरंत लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी टेंशन होती है कि 10 के बाद क्या करें, आगे का करियर क्या होगा, कि हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन उन्हें अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है तो करियर में काफी फायदा उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर कोई गाइडेंस हो तो फिर उनको यही प्रॉब्लम उनकी बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाती है और उनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है। अगर आप भी 10th पास कर चुके हैं और कुछ ऐसे ही कोर्स की जानकारी चाहते हैं तो तुरंत आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है और इस वीडियो के में जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलीटेक्निक क्या है, पॉलीटेक्निक के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दोस्तों देने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऊपर आई सेक्शन में मेरा एक वीडियो आ रहा है, आप वो सजेशन आ रहा है, आप उसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 12th के बाद क्या करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट 10वीं के बाद किसी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहता है उसके लिए पॉलीटेक्निक बहुत फायदेमंद है। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें 10वीं के बाद कुछ ऐसे कोर्स की तलाश होती है जिनके तुरंत बाद उनको जॉब मिल सके। जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में हमारे पास इतनी अच्छी इनकम नहीं होती है तो जॉब के लिए बहुत ही जल्दी हम लोग को तलाश होती है। अगर आप पहले से जानते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है तो आपको ये भी पता होगा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के फायदे क्या हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिसका नाम तो सुने होते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि पॉलीटेक्निक सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई कराई जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है और वह 12वीं के बाद में पॉलीटेक्निक में कोर्स की जानकारी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि 12th के बाद पॉलीटेक्निक करना कैसा होता है। खैर, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पॉलीटेक्निक कोर्सेज की डिटेल बताऊंगा, साथ साथ में आपको यह पता चल जाएगा पॉलीटेक्निक का फॉर्म कैसे मिलता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, क्या इसके बाद बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं, और हाँ तो बीटेक के बाद की पढ़ाई कैसे करनी है पॉलीटेक्निक के बाद। इस तरह की बहुत सी टेंशन जो आपके बीच में होती है वो सारी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आगे की पढ़ाई का प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है 12th के बाद, 10th के बाद, वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो वीडियो आप जब देख लेंगे तो आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। पॉलीटेक्निक के बारे में हम बात करते हैं तो पॉलीटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। ये एक काफी पॉपुलर कोर्स है जिसे 10th या 12th दोनों ही करने के बाद आप कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक का मतलब होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इस कोर्स के अंदर कई ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं या जूनियर लेवल इंजीनियरिंग का को तैयार करने का एक तरीका है। बीटेक करने वाले लोग डिग्री हासिल करते हैं, वहीं पॉलीटेक्निक करने वाले लोग डिप्लोमा हासिल करते हैं। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, डिग्री करने वाले को डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वैकेंसी में वो अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर पोस्ट मिलती है उनको। पॉलीटेक्निक के अंदर पढ़ाए जाने वाले जो कोर्सेज हैं उन्हें ज्वाइन करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इस तरीके के कई कोर्सेज में आप जा सकते हैं। एक बार आप पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जॉब ही करें, बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपको लेटरल एंट्री के रूप में सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। आप जो आप पॉलीटेक्निक करने वाले जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं उनको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, उनके लिए बीटेक 4 साल का नहीं रहता है, इसलिए उनको डायरेक्ट लेटरल एंट्री। इसका ग्रुप कोर्स भी अलग होता है तो ये थोड़ा इजी हो जाता है इसका एंट्रेंस देना। तो इंटर करने से ज्यादा अच्छा है आप डिप्लोमा कर लीजिए, उसके बाद बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, सीधे तौर पर आपको सेकंड में ही आपको वहां जाना, सेकंड ईयर में ही एडमिशन मिल जाता है। पॉलीटेक्निक करने के लिए 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने के बाद अच्छी रैंक लाने पे उन्हें अपनी जो मनपसंद ब्रांच है उसको चुनकर उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही मेनली गवर्नमेंट कॉलेज अधिकतर होते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो फिर वो बहुत अच्छे से उसमें कर सकते हैं और उसमें पैसा भी कम लगता है, उसमें आपका मनी कम लगेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में तो इतनी महंगी फीस होती है कि आप वहां पर जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पॉलीटेक्निक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस टेक्निक। पॉली मतलब होता है बहुत सारे और टेक्निक का मतलब तो हम लोग सब जानते हैं, टेक्निक का मतलब टेक्नोलॉजी या तकनीक।
यानी कि पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। जैसे इसके अंदर कोई कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहता है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराई जाती है, किसी को सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराई जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बनाने की ख्वाहिश अगर आपके अंदर है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो पॉलिटेक्निक सभी तरह के इंजीनियरिंग ब्रांच का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है जिसमें पढ़कर अब जो भी स्टूडेंट है वो अपने भविष्य को सही रास्ता दिखा सकते हैं। और पॉलिटेक्निक आपको करना कैसे, ये तो बात हुई पॉलिटेक्निक होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ पॉलिटेक्निक करना कैसे है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें एंट्रेंस लेना जरूरी है। पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस पाने के लिए स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इसका लगभग हर साल ही होता है जिसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं जो पास करने के बाद उनको अच्छी रैंक लाए, अगर आपको अच्छी रैंक लाते हैं तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं है तो आपको ऐसे प्राइवेट कॉलेज में या थोड़ा डाउनग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे आप 10वीं पास करते हैं और उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ करके इसको दे सकते हैं, और आप इस एग्जामिनेशन को अगर निकाल लेते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन तुरंत आपका हो जाता है। एडमिशन लेने के बाद आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी रहती है, उसी ब्रांच से आपको पढ़ाई करनी रहती है, जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है, 3 साल में आपको ये करना होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के तौर पर ये 3 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद आपको एक जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस प्रकार आप जूनियर इंजीनियर के पद पर किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी इससे पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों में क्या क्या योग्यता और होनी चाहिए, और कोर्स कितने दिनों का होता है, इसे करने के बाद क्या होता है, फायदे क्या है, चलिए इस बातों को भी हम जान लेते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के 2 मौके होते हैं, यानी आप 10वीं पास कर लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद डिप्लोमा में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के लिए आप जा सकते हैं, और दूसरा आप क्या 12th पास कर लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं। 10वीं पास कर लेने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे रैंक से पास करते हैं तो फिर सबसे अच्छे और बेस्ट सरकारी डिप्लोमा कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। इस तरह आप जो भी एडमिशन लेते हैं उसमें आपकी एडमिशन फीस कम लगती है, और आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, और इसके लिए आपको फीस भी ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए आप जब भी इस तरीके का टेस्ट दें तो कोशिश करें कि आप अच्छे से पढ़ाई करके इसका एग्जाम क्लियर करें। 12th के बाद आप क्या करेंगे, अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं कि मैं 12th के बाद करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक एक बहुत अच्छी चीज है, 12th के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत से कॉलेजेस हैं अभी 12th के बाद 2 साल का ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज है जो 3 साल का ही डिप्लोमा मांगती हैं, तो 2 साल का जो कोर्स ऑफर भी कर रही हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल का ही डिप्लोमा करिए। अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं, भले आप इंटर के बाद कर रहे हैं चाहे आप हाई स्कूल के बाद कर रहे हैं, 3 साल मिनिमम आप डिप्लोमा करिए ही करिए। 2 साल में आप एग्जाम क्लियर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत सी जगह 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा जाता है, वहां पर फिर आपको डाउट किया जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। पॉलिटेक्निक में आने वाले बहुत से कोर्सेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब बहुत सी इसमें ब्रांचेस हैं। इसमें आपको एंट्रेंस पाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और साथ ही उसके बाद में जाकर के आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट जो 10th के बाद एग्जाम देना चाहते हैं उनको टेंथ के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 10th में जो उन्होंने पढ़ा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बायोलॉजी, इस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं जो 10th के बाद देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, इसमें कैसे जाएं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बाद क्या करें, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। अक्सर स्टूडेंट ये सोच के काफ़ी परेशान होते हैं कि पॉलिटेक्निक तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करें, जब हमको जॉब कैसे मिलेगी। इसके अंदर जब भी आप किसी ब्रांच की पढ़ाई कर लेते हैं तो उसकी पढ़ाई करने के बाद जब आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके पास एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है कि आपके पास एक इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है। डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर के बीटेक दे सकते हैं, और
इस तरह आप ग्रेजुएशन करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। जब हम सिर्फ पॉलिटेक्निक करके कोई जॉब करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन भी उसी के हिसाब से जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। वहीं अगर आप जब आगे की पढ़ाई करते हैं, आप डिग्री कर लेते हैं, तो उसके आपको अच्छी जॉब मिलती है और साथ ही आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। सीधी सी बात है, अगर आप डिप्लोमा करके जाएंगे तो जूनियर इंजीनियर बनेंगे और आप डिग्री करके जाएंगे तो आप इंजीनियर बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों चीज़ें बहुत समझने वाली नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिटेक्निक के बाद आपको बीटेक कैसे करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जब 10वीं खत्म करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ से आप एक जॉब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जब आप पॉलिटेक्निक के अंदर डिप्लोमा करते हैं तो फिर आपके पास बीटेक करने का भी रास्ता रहता है। इसमें आपको एक फायदा यह रहता है कि जब 10वीं के बाद डिप्लोमा 3 साल के लिए करते हैं तो यह आपको 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है, लेकिन अगर जब आप डिप्लोमा करने के बाद करते हैं तो 3 ही साल में आपको ये एडमिशन मिल जाता है बीटेक में, 3 साल में आपका बीटेक क्लियर हो जाता है। इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन होता है। लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन करने के बाद फिर से आपको बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाता है और 3 साल का डिप्लोमा होता है, और 3 साल के डिप्लोमा के बाद आपका आपके पास डिग्री हासिल हो जाती है। पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक टेक्निकल सर्टिफिकेट है जो आपको हासिल हो जाता है और इसके तुरंत बाद आपको जॉब भी मिल जाती है। बहुत सी जगह देखा गया है कि डिग्री करने वालों को बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, लेकिन डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक करने वालों को बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से गवर्नमेंट बहुत से प्राइवेट जगह हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बराबर इसकी मान्यता भी होती है, जो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो उसकी मान्यता एकदम इंटरमीडिएट के बराबर होती है। अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं और आपकी समझदारी इंटरमीडिएट किए हुए छात्र से ज़्यादा होता है तो आपके पास इससे ज़्यादा ज्ञान भी होता है, इंटर वाले से आप हमेशा ज़्यादा जान रहे होंगे। साधारण रूप से इंटरमीडिएट करने वाले छात्र जिस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसी जॉब के लिए डिप्लोमा छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो डिप्लोमा है वो इंटरमीडिएट लगभग इक्विवेलेंट माना जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको कहीं ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है इंटर वाले से। जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो फिर डिप्लोमा के बाद जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज़ें सारी कोर्स सारे सिलेबस आपको समझ में आएगा। शॉर्ट में हम आपको ये बता देते हैं कि 10th पास करने के बाद स्टूडेंट अगर इसी टेंशन में रहते हैं कि हम क्या करें, हम सही से किस कोर्स को सेलेक्ट करें, कैसे अच्छा फ्यूचर बनेगा, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो आपको सबसे अच्छा है कि आप डिप्लोमा कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको और भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो जैसे IIT है और ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो IIT का एक फाउंडेशन का कोर्स होता है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक अभी वीडियो में दे रहा हूँ, आप इसको भी इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि IIT फाउंडेशन कोर्स कैसे करें, IIT में बीटेक में इन सब जगह में आपको कैसे जाना है। तो अगर आपको वीडियो ये दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आपका